भागलपुर के मशहूर जरदालू आम और नौगछिया के लीची से भागलपुर का बाजार पूरी तरह से सज चुका है। शहर के विभिन्न स्थानों के साथ साथ सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ और मुख्य बाजारों में भी भागलपुरी जरदालू आम और नौगछिया की लीची से भरा पड़ा हुआ है। इस वर्ष सीजन के हिसाब से बिल्कुल सही समय पर जरदालू आम बाजार पहुंचा है। लोग जरदालू आम और लीची की जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। सुबह ग्राहकों की संख्या कम होती है, लेकिन शाम होते होते आम और लीची के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल आम की कीमत कुछ ज्यादा है। भागलपुर के बाजार में जरदालू आम 60 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भागलपुर का जरदालू आम सौगात के रूप में हर साल भेजा जाता है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार काफी ठीक ठाक है। ग्राहकों की संख्या सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है। यहाँ जरदालू आम के लिए लोग ज्यादातर पहुंचते हैं। पिछले साल 20 रुपए किलो तक जरदालू आम की बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार आम के दाम 60 से 70 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। जरदालू आम का बिक्री बहुत ही शानदार चल रहा है। ग्राहक सत्यम वर्मा ने कहा कि इस बार जरदालू आम की कीमत थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन फिर भी ठीक है। भागलपुर का फेमस आम है, इसलिए हम लोग इसे खरीद रहे हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष अपने जिले के आम का स्वाद लेते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार आम की कीमत बढ़ी है, लेकिन उसको लेकर ग्राहकों पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। 60 से 65 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। जरदालू भी वही रेट है, 60-65 के अराउंड है। मालदा भी ठीक ठाक वही 60-55-60 अराउंड, सब ठीक है। आम का रेट ठीक है, हाँ थोड़ा बोल सकते हैं। पिछले बार 40-35-40 के बीच में मिल रहा था, 5-10 रुपये बढ़ा है, तो महंगाई बढ़ी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरदालू का बहुत अच्छा बाजार है सर। कैसे बेच रहे हैं? ये 70 रुपीस पर केजी बिक रहा है अभी, और सुबह और शाम का कस्टमर ज़्यादा रहता है। बहुत अच्छा बाजार है। पिछली बार तो बहुत ही नॉर्मल था, मतलब पिछली साल जो हम लोग जरदालू यहाँ बेचे 20 रुपये केजी तक बेचे हैं, और अभी जो शुरुआत है तो अभी ये भाव मिल रहा है हम लोगों को। बहुत ही अच्छा है बाजार, बिक्री हो रही है। जी सर, बिक्री बहुत अच्छा है इस साल। भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित वारसलीगंज रोड में पिछले कई वर्षों से जल जमाव की समस्या रहती थी, जिसको लेकर आए दिन स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी परेशान रहते थे। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम की महापौर भी परेशान थी। इसके बाद पिछले कुछ दिनों पहले 2 करोड़ की लागत से सड़क व नाला निर्माण के लिए इसका शिलान्यास किया गया था। इसके बाद निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया है। इस निर्माण कार्य का निरीक्षण करने भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल आज खुद अपने दलबल के साथ वहां पहुंची। इस मौके पर वसुंधरा लाल ने कहा कि यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस काम के लिए पिछले कई महीनों से हम खुद काफी परेशान थे। महापौर ने यह भी कहा कि निर्माण कार्य ठीक ठाक हो रहा है, थोड़ी बहुत खामियां भी नजर आई है, जिसको दुरुस्त करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। आगे भी इस काम का निरीक्षण हम खुद करते रहेंगे। हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष बारिश के मौसम में जब इस सड़क पर जल जमा हुआ था, तो नगर निगम के पार्षद एवं स्थानीय लोगों के द्वारा जल सत्याग्रह भी किया गया था। आज के इस निरीक्षण में वार्ड पार्षद पंकज गुप्ता, पार्षद कल्पना देवी, धीरज, पार्षद शशि मोदी समेत नगर निगम के अभियंता व कर्मचारी मौजूद रहे। निरीक्षण करने के लिए, ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है और बहुत दिनों से इसमें जल जमा होता रहता था, पूरा नाली भी जाम रहता था, तो हमने अभी निरीक्षण किया है और काम ऑलमोस्ट ठीक ही हो रहा है। थोड़ा बहुत जो भी खामियां थी वो हमने बता दिया है, और इंजीनियर साहब जो थे उनको भी बता दिया है, वो आगे से उसका ध्यान रखेंगे। जो भी टेक्निकल चीज़ है थोड़ी बहुत गड़बड़ी, तो वो ध्यान रख करके, और इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, क्या ऑप्शन और आ सकता है, उसको भी बोले हैं कराने के लिए, तो वो कराएंगे। अभी तो एक तरफ का नाला बन रहा है, फिर रोड भी बनेगा, और उसके बाद दूसरे तरफ का भी नाला बनेगा। तो अभी के काम से मैं संतुष्ट हूँ, और थोड़ा बहुत तो होता रहता है, उसके लिए मैं बोल दी हूँ कि उसको सही कर ले। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 705015
9341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के सीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के गौराडी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना हुई है, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रेखा देवी का पारिवारिक जमीन को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। इसकी जानकारी रेखा देवी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को दी है। जनप्रतिनिधि के द्वारा दोनों पक्षों के सामने बातचीत ही हो रही थी कि इस दरमियान देवशरण पोद्दार एवं उनके परिवार वालों ने रेखा देवी के पुत्र रंजीत पोद्दार, भरत पोद्दार एवं नंदन कुमार को लाठी डंडे से पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें रेखा देवी के तीनों पुत्रों के सिर में गंभीर चोट आई है। सभी घायलों का इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर रेखा देवी ने भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के यहां आवेदन दिया है और उनसे न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। हम लोग पंचायत में गए बुलाने के लिए, आया देवशरण का बेटा, उसके बाद हम गए पंचायत में। पंचायत में जाने के बाद हमसे पूछा कि क्या चाहिए आपको, क्या दिक्कत है आपको। हम कह हमारा 7 डिसमिल है, 7 दे दीजिए, हम लोग का नाना 7 डिसमिल दिया है। इसी में वो लोग हमको मारने लगा। किससे विवाद था आपको और किसके द्वारा पंचायती की जा रही है? ये मुकेश पोद्दार, डब्लू पोद्दार, प्रमोद पोद्दार, सुबोध पोद्दार, सुकेश पोद्दार, यही सब के द्वारा इन लोग से जमीनी विवाद था। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 49 छत्रपति पोखर स्थित शिव मंदिर परिसर में नगर निगम के द्वारा डीप बोरिंग का निर्माण कराया गया है। डीप बोरिंग में बिजली का करंट आता है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त को आवेदन के जरिए कई बार दी। इसके बाद नगर निगम के द्वारा अब तक किसी तरह का कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शिव मंदिर परिसर में सरकारी स्कूल भी है, जहां छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। यदि किसी बच्चे को करंट लग जाता है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा, क्योंकि इस भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए सभी को पानी की आवश्यकता है। बोरिंग के पास खुद बच्चे जाकर बोरिंग को चालू करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन के बाद बारिश का भी मौसम आ जाएगा, इसलिए यदि समय पर बोरिंग को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में कई बच्चे एवं बच्चियों को करंट की चपेट में वो आ सकते हैं। राजकीय नेत्रहीन विद्यालय भीकनपुर भागलपुर का प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, स्थानीय पार्षद अमित ट्विंकल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर नेत्रहीन छात्रों ने गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने संबोधन में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि बहुत चिंता की बात है कि यहाँ छात्रों में लगातार कमी हो रही है। हम शिक्षा मंत्री से बात कर यहाँ की सुविधाओं को और आगे बढ़ाएंगे और यह भी नजर रखेंगे कि यहाँ के छात्रों को किसी तरह की कोई भी परेशानी न हो। भावों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके बीच आकर अपने आप को बहुत धन्यवान रही हूँ कि मुझे आज ऐसा मौका मिला और ऐसा अवसर मिला कि आपके बीच मैं यहाँ आ पाई। आप धन्य नहीं, मैं धन्य हो गई आपके विचार करके।